हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हेट टू लव स्टोरी का एपिसोड 18। बट उससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 18 की शुरुआत में अर्थित पैम को गुड नाइट बोलता है, बट पैम उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो अर्थित उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से पैम डर जाती है। तो अर्थित कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तो पैम मना कर देती है। अर्थित कहता है कि तुम मेरी मॉम को थोड़ा और टाइम दो, वो भी समझ जाएंगी। जिस पर पैम कहती है कि मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, मेरे पास और भी काम है जिन्हें मुझे करना है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन्हीं दोनों गुंडों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हीं ने अर्थित को शूट किया था। ऑफिसर उन दोनों से पूछते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? तो वो कुछ भी नहीं बोलते और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ थानोन अर्थित से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर अर्थित कहता है कि क्या तुम लिंग को प्रपोज करने वाले हो? तो थानोन हाँ कर देता है। अर्थित कहता है तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही गेस किया। थानोन कहता है कि मैं लिंग को सरप्राइज देना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और हाँ पैंग की भी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लिंग के लिए करूँ क्या। जिस पर अर्थित कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बट पैंग से तुम जाकर खुद बात करो। थानोन कहता है कि क्या तुम दोनों की फिर से फाइट हो गई? तो अर्थित हाँ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों पैंग से मिलने जाते हैं। थानोन कहता है कि मैं लिंग को प्रपोज करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसे सुनकर पैंग काफी खुश हो जाती है और थानोन से पूछती है कि मुझे क्या करना है। जिस पर थानोन कहता है कि ये तो तुम्हें और अर्थित को मिलकर डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में हम पैंग को देखते हैं, जो कि सरप्राइज प्लान कर रही होती है। तभी वहाँ अर्थित आकर उसके बगल में बैठ जाता है, तो पैंग वहाँ से जाने लगती है। जिसे देखकर अर्थित कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थानोन से इस बारे में बात कर लूँगा। पैंग कहती है कि मैं थानोन की हेल्प करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में लिंग को कुछ भी पता चले। जिसे सुनकर अर्थित कहता है कि तो क्या तुम अपने आप को स्माइल कराने के लिए फोर्स कर सकती हो? पैंग कहती है मैं लिंग और थानोन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अर्थित कहता है कि तुम बस मुझे छोड़कर बाकी सभी के साथ काफी अच्छे से रहती हो, एंड वहाँ से चला जाता है। सेम नाइट जब पैंग काम कर रही होती है, तो अर्थित उसके लिए पानी लेकर आता है, जिसके बाद पैंग अर्थित को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताती है। अर्थित पास आकर उसे देखने लगता है तो पैंग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। अर्थित कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? तो पैंग मना कर देती है। अर्थित कहता है तो फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? पैंग कहती है मैं तुमसे डिस्टेंस बनाकर रहना चाहती हूँ, और अर्थित से दूर हो जाती है, जिस वजह से अर्थित सैड होकर वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट अर्थित से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम पैंग को लाइक करते हो? तो अर्थित उसे चुप करा देता है। तभी सामने से पैंग लिंग के साथ आती है, तो अर्थित पैंग को देखता ही रह जाता है, जिसके बाद कोर्ट लिंग को फोटोज क्लिक कराने के लिए अपने साथ ले जाता है। अर्थित और पैंग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी म्यूजिक बजता है और थानोन की एंट्री होती है। लिंग थानोन को वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। थानोन लिंग के पास जाकर उससे शादी के लिए पूछता है, तो लिंग कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जिस पर थानोन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वेल, ये सुनकर अर्थित पैंग को देखता है और पैंग उसे। थानोन फाइनली लिंग को प्रपोज कर देता है, तो लिंग हाँ कर देती है। कोर्ट उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा होता है, तो अर्थित पैंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या हम भी उन दोनों की तरह खुश नहीं रह सकते? जिस पर पैंग कहती है कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती। अर्थित कहता है कि प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में होती है, बस उन्हें फेस करना पड़ता है। जिस पर पैंग कहती है कि
बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा काम पॉसिबल है और कौन सा काम नहीं। पैंग कहती है कि अब तो पुलिस ने भी उन क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है, तो तुम मेरी टेंशन मत लो। और हाँ, क्या अब मैं अपने पुराने जगह रहने जा सकती हूँ? तो अर्थित कहता है कि तुम कब जा रही हो? पैंग कहती है कि आज ही। तभी वहाँ कोर्ट आता है और उन दोनों को साथ में फोटोज क्लिक कराने के लिए बोलता है। पैंग मना करती है, बट फिर भी कोर्ट उन दोनों को साथ में खड़ा कर देता है, उनकी फोटोज क्लिक करता है। कोर्ट कहता है कि तुम दोनों थोड़ी सी तो स्माइल करो। अर्थित स्माइल करता है, जिसके बाद कोर्ट अर्थित को पैंग को हग करने के लिए कहता है, तो अर्थित पैंग को हग कर लेता है एंड फोटोज क्लिक कराता है। कोर्ट और अर्थित जब साथ में बातें कर रहे होते हैं, तभी पैंग को मार्क का कॉल आता है, बट पैंग उसका कॉल रिसीव नहीं करती। अर्थित पैंग के पास जाने की कोशिश करता है, बट पैंग वहां से चली जाती है, तो अर्थित फिर से सैड हो जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग पैंग अपने अंकल से बैंकॉक जाने की परमिशन मांगती है, क्योंकि उसे वहां पे कुछ काम है और अपनी मॉम के मर्डर केस भी फाइल करना है। देन नेक्स्ट सीन में हम पैंग को बैंकॉक में देखते हैं, जहां उससे मिलने मार्क आता है। पैंग उसे देखकर कहती है कि मैं यहां अपने कस्टमर से मिलने आई हूं, जिस पर मार्क कहता है कि बट मैं भी तो तुम्हारा कस्टमर हूं। पैंग शॉक्ड हो जाती है। मार्क कहता है कि तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। जिस पर पैंग कहती है कि मैं बिजी थी। मार्क कहता है तुम अर्थित की वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो ना। पैंग मना कर देती है और कहती है कि मैं सच में बिजी थी। अभी मार्क पैंग के डायरी में एक पिक्चर देख लेता है और पैंग से कहता है कि मैंने ये पिक्चर कहीं देखी है। पैंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें सच में इसके बारे में पता है? मार्क हाँ कर देता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही सेम टैटू किसी इंसान पर देखा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। पैंग कहती है कि अगर तुम्हें याद आ जाए तो प्लीज मुझे भी बता देना, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर मार्क उसे साथ में खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि क्या पता मुझे खाना खाते खाते कुछ याद आ जाए, इसके लिए पैंग हाँ कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम पैंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। अभी अर्थित वहाँ पहुँच जाता है और पैंग का हाथ पकड़ कर उसे बाहर लाता है। पैंग कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्थित कहता है तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? पैंग कहती है क्या यहाँ तुम्हें अंकल ने भेजा है, और वैसे वो मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? अर्थित उसे केस फाइल करने से मना करता है, बट पैंग नहीं मानती और कहती है कि मैं अपने मॉम के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ एंड वहाँ से पुलिस ऑफिसर से मिलने चली जाती है। अर्थित भी पैंग के पीछे पीछे वहीं पहुँच जाता है। पैंग पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मैं अपनी मॉम के मर्डर केस के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। थोड़ी बहुत चेकिंग करने के बाद पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सारे एविडेंस यही बताते हैं कि तुम्हारी मॉम का कातिल एक ही इंसान है, बट वो भी मर चुका है। पैंग उस इंसान का नाम पूछती है। अर्थित उसे रोकता है, बट पैंग उसे चुप करा देती है। एंड फाइनली यहाँ पे पुलिस ऑफिसर पैंग को बता देते हैं कि तुम्हारी मॉम का कातिल और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे डैड थे, जिसे सुनकर पैंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे डैड मेरी मॉम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि बट हमें तो एविडेंस पर ही भरोसा है। पैंग कहती है कि मैं इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगी एंड उठकर वहां से चली जाती है। अर्थित बाहर आकर पैंग को रोकता है, तो पैंग कहती है कि क्या तुम सभी ने इस बात पर भरोसा कर लिया है? अर्थित कहता है बट सारे एविडेंस तुम्हारे डैड के खिलाफ हैं, और वैसे भी तुम्हारी मॉम के मर्डर से पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था, तो क्या पता तुम्हारे डैड ने एक्सीडेंटली उन्हें मार डाला हो। जिस पर पैंग कहती है कि मेरे डैड ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो प्लीज मेरे मैटर से दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने डैड को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। अर्थित कहता है कि मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। पैंग कहती है कि तुम्हारे डैड मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड थे, तो फिर उन्होंने इस बात पे भरोसा कैसे कर लिया? पैंग रोते हुए वहाँ से जाने लगती है और अर्थित से कहती है कि मेरा पीछा मत करना, जिसके बाद पैंग अपने रूम जाकर रोती रहती है, तो अर्थित बाहर से ही उसे देख रहा होता है।
देन नेक्स्ट मॉर्निंग पैंग मार्क को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। वेल उन दोनों को साथ में जाते हुए अर्थिक भी देख लेता है और उनका पीछा करता है। पैंग मार्क से पूछती है कि क्या तुम्हें उस टैटू के बारे में कुछ भी याद आया। मार्क कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बट अभी तक नहीं। पैंग कहती है कि मैं एक खूनी को ढूंढ रही हूँ। तभी वहाँ अर्थिक भी आ जाता है और पैंग से कहता है कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानती। पैंग कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरा पीछा मत करना। अर्थिक उसे घर चलकर बात करने के लिए कहता है बट पैंग मना कर देती है। अर्थिक मार्क से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम पैंग से दूर रहो। इस पर पैंग कहती है कि मार्क को मैंने बुलाया है ना कि मार्क ने मुझे, क्योंकि मुझे उससे कुछ प्राइवेट बातें करनी है और हाँ जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तो मैं खुद घर वापस आ जाऊंगी। जिस पर अर्थित कहता है कि जब तक तुम दोनों की बातें खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारा यहीं वेट करूंगा। जिसे सुनकर पैंग मार्क को कहीं और चलकर बातें करने के लिए कहती है। अर्थित मार्क को देखने लगता है तो मार्क उसे उनका पीछा करने से मना करता है एंड वहाँ से चला जाता है। वेल ये सब देख कर अर्थित को काफी गुस्सा आता है। मार्क पैंग को अपने घर के बाहर लाता है और कहता है कि जैसे ही मुझे टैटू के बारे में कुछ भी याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। पैंग उससे थैंक्स बोलती है जिसके बाद मार्क उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे अपने रूम में चलकर कुछ खाने के लिए कहता है। पैंग मना कर देती है एंड वहां से जाने लगती है तो मार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे अपने बारे में भी बातें करना है। तो पैंग कहती है कि यहीं पे कर लो। मार्क कहता है यहाँ पे बात करना ठीक नहीं होगा। पैंग कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ जरूरी काम है एंड वहाँ से जाने लगती है बट मार्क उसे फिर से रोक लेता है और अपने साथ अंदर लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ अर्थित अपनी कार लेकर आ जाता है जिसे देखकर पैंग काफी खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अर्थित पैंग से कहता है कि अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो क्या हम घर चलें? जिसे सुनकर पैंग चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है एंड अर्थित के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर मार्क को काफी गुस्सा आता है। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी थानोन अर्थित को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या पैंग तुम्हें मिल गई? तो अर्थित हाँ कर देता है। थानोन कहता है कि तुम आज के बाद कभी भी पैंग को मार्क के साथ अकेले मत जाने देना। वेल ये सब पैंग भी सुन रही होती है। थानोन कहता है कि पता नहीं पैंग तुम्हें कब माफ करेगी। अर्थित कहता है भाई फोन स्पीकर पे है। जिसे सुनकर पैंग थानोन को हेलो बोलती है तो थानोन उन्हें अपनी बातें कंटिन्यू करने के लिए बोलकर फोन कट कर देता है। जिसके बाद अर्थित पैंग से पूछता है कि आखिर तुम मार्क से मिलने क्यों गई थी? तो मार्क उसे बताने से मना कर देती है। अर्थित उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है और हाँ अब से तुम जो भी करोगी मैं उसमें हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। पैंग कहती है मगर क्यों? तो अर्थित कहता है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। अर्थित फिर से पैंग से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? पैंग कहती है मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने कहा है कि मेरे डैड ने ही मेरी मॉम को मारा है। जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में उन लोगों का रिकॉर्ड चेक करने जाते हैं एंड देन उन सभी से मिलने जाते हैं। घर से एक लेडी बाहर निकलती है तो पैंग उनसे आज से 8 साल पहले हुए मर्डर केस के बारे में पूछती है क्योंकि वो लेडी तब उसी होटल में काम करती थी। बट वो लेडी पैंग और अर्थित को कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि ये केस तो कब का बंद हो चुका है और अब मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी पैंग अचानक से मार्क को वहाँ देख लेती है एंड काफी डर जाती है। पैंग को डरा हुआ देखकर अर्थित पैंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ बट पैंग उसे कुछ भी नहीं बताती एंड उसे वहां से लेकर चली जाती है। कार में पैंग अर्थित को बता देती है कि मैंने उस लेडी के घर के पास मार्क को देखा। अर्थित कहता है क्या वो फिर से हमारा पीछा कर रहा था? पैंग कहती है उसे कैसे पता हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं? अर्थित कहता है इसका मतलब वो हमारा पीछा कर रहा है। पैंग काफी डर जाती है। अर्थित कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो पैंग हाँ कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम पैंग को उसके होटल रूम में देखते हैं। तभी कोई आकर उसके डोर में नॉक करता है। पैंग डोर के पास जाकर कहती है कि तुम कौन हो? बाहर अर्थित होता है तो पैंग गेट ओपन कर देती है
और अर्थित से कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम यहाँ से जा चुके हो। जिस पर अर्थित कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और सोफे पर सो जाऊंगा। वेल अंदर जाने के बाद भी पैंग सिर्फ और सिर्फ मार्क के बारे में ही सोच रही होती है और काफी ज्यादा डर जाती है, तो अर्थित आकर उसे हग कर लेता है। जिसके बाद पैंग अर्थित से कहती है कि मुझे किसी पर शक है, बट पहले मैं उसे कंफर्म करना चाहती हूँ। अर्थित कहता है मगर तुम कंफर्म कैसे करोगी? पैंग काफी ज्यादा डर जाती है, तो अर्थित उससे कहता है कि अभी जाकर रेस्ट करो, हम साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, वरना तुम फिर से बीमार हो जाओगी। पैंग अर्थित से कहती है कि जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर रख सकते हो? जिस पर अर्थित कहता है कि मैं तो तुम्हारा हाथ पूरी रात पकड़कर रखने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद पैंग अर्थित को सोने के लिए कहती है, तो अर्थित सो जाता है। वेल पैंग अर्थित को ही देखती रहती है एंड उसके मॉम की कही हुई बातें याद करती है कि कहीं पैंग की वजह से अर्थित को कुछ हो ना जाए। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थित की जब आंखें खुलती है तो उसे पैंग वहां नहीं मिलती। वो पैंग को हर जगह फाइंड करने की कोशिश करता है बट पैंग उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी थोड़ी देर बाद अर्थित मार्क का नाम लेता है और कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पैंग को देखते हैं जो कि मार्क को कॉल करके उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर मार्क कहता है कि मैं तो अभी बाहर हूँ बट हाँ एक घंटे बाद आ जाऊँगा। पैंग कहती है तो क्या मैं तुम्हारे रूम में बैठ कर तुम्हारा वेट कर सकती हूँ? वेल यहाँ पे मार्क को उस पर थोड़ा शक तो होता है बट वो फिर भी हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम पैंग को मार्क के रूम में देखते हैं जहाँ वो एक कैमरा छिपा देती है। वहीं अर्थित पैंग को हर जगह ढूंढ रहा होता है एंड उसे कॉल करता है, बट पैंग तो एविडेंस ढूंढने में इतनी ज्यादा बिजी होती है कि वो अर्थित का कॉल रिसीव नहीं करती। तभी डोर नॉक होता है। पैंग काफी डर जाती है और खुद से कहती है कि अभी तो एक घंटा नहीं हुआ तो फिर वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। पैंग गेट ओपन करके देखती है तो वहाँ पे मार्क नहीं बल्कि वेटर होता है। वो वेटर कहता है कि मार्क ने आपके लिए खाना ऑर्डर किया है। वेल वेटर के जाने के बाद पैंग फिर से अपने काम में लग जाती है। तभी उसे मार्क के रूम में उसकी एक फोटो दिखती है जिसमें वही टैटू बना होता है। वेल फोटो देखकर पैंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और खुद से कहती है कि मार्क ने ही मेरी मॉम को मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो कि वापस आ चुका है। फोटो देखने के बाद पैंग फिर से इधर उधर सबूत ढूंढने लगती है तो उसे अपनी मॉम की फोटो मिलती है। तभी मार्क डोरबेल नॉक करता है जिसकी आवाज़ सुनकर पैंग डर जाती है। पैंग जब गेट ओपन नहीं करती तो मार्क चाबियों से गेट खोलकर अंदर आ जाता है और अपने घर को चेक करता है। वहीं दूसरी तरफ पैंग छुप कर बैठी होती है। मार्क कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना था तो पूछ लेती, एंड देन अपनी फोटो वापस रखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी यही हो। मार्क पैंग को बाहर आने के लिए कहता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तो पैंग जाकर वॉशरूम में छिप जाती है। तभी उसे अर्थित का कॉल आता है। पैंग अर्थित से हेल्प मांगती है। अर्थित कहता है अभी तुम कहाँ हो? तो पैंग उसे सब कुछ बता देती है। अर्थित कहता है कि तुम्हें मार्क के घर अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? तो पैंग कहती है कि तुम मुझे बाद में डांट लेना बट प्लीज़ अभी आकर मुझे बचा लो। अर्थित कहता है कि तुम जल्दी से मार्क का फ्लोर नंबर एंड फ्लैट नंबर सेंड करो, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। पैंग उसे सब कुछ सेंड कर देती है तो अर्थित को उसकी काफ़ी चिंता होती है। तभी थोड़ी देर बाद मार्क पैंग को ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाता है, जिसे देख कर पैंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।